अजय देवगन जल्द ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, जो उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। अजय देवगन अपने हिस्से की शूटिंग 10 दिनों में पूरी करेंगे, तो आखिर कौन सी फिल्म में नजर आने वाले हैं अजय देवगन और क्या होगा उनका किरदार, देखें इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में अजय गैंगस्टर करीम लाला के किरदार में दिखाई देंगे। अजय अपने हिस्से की शूटिंग अगले 45 दिनों में करेंगे। इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में है। फिल्म में अजय का कैरेक्टर गंगूबाई यानी आलिया को अपनी बहन जैसा मानेगा। बॉलीवुड हंगामा ने एक सूत्र के माध्यम से लिखा, अजय को अपने हिस्से की शूटिंग करने में 10 दिन का समय लगेगा। अजय ने भंसाली से कहा है कि वो अपनी फिल्म मेडे की शूटिंग खत्म कर गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग करेंगे। ये शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी के अलावा आउटडोर लोकेशन पर भी होगी। सूत्र ने आगे कहा, करीम लाला गंगूबाई को बचाएगा और उसके बाद उसे मुंबई के कोठे का चीफ बनाने में मदद करेगा। जब किसी ने गंगूबाई का साथ नहीं दिया, तब करीम लाला ने उनका साथ निभाया। ये बहुत मजबूत किरदार है और इस किरदार के बिना फिल्म अधूरी रहती। इस रोल को अजय के बिना कोई और नहीं कर पाता। फिल्म की शूटिंग अगले महीने खत्म होगी और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। फिल्म इस साल दिवाली में रिलीज हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ये आलिया और भंसाली के साथ में पहली फिल्म है, तो वहीं अजय और भंसाली हम दिल दे चुके सनम के बाद करीब 22 साल बाद एक साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब पर आधारित है, जो मुंबई के कमाठीपुरा में राज करने वाली गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी कहती है। गंगूबाई के पति ने ही उसे धोखा दिया था और वैश्यवृत्ति में धकेल दिया था। बाद में गंगूबाई खुद कमाठीपुरा में राज करती है। एंटरटेनमेंट लाइव की रिपोर्ट।